से हम ये कहना चाहेंगे आप भी लखनऊ आइए और हमारे साथ हमारे पान का मजा लीजिए। जी भाई आपको लखनऊ आना होगा। अच्छा भाई, आप लोगों को एक कहानी सुनाना है और वो ये कि पिछले दिनों मेरे पास अमेरिका से एक ईमेल आई डॉक्टर अहमद साहब की और उन्होंने कहा कि वो 1994 में हिजरत करके अमेरिका चले गए थे, वहीं उनके बच्चे पैदा हुए, पले बढ़े और अपने बच्चों को पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत से आशना रखने के लिए उन्हें वो मेरी वीडियोज़ दिखाते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं। इसी तरह मेरे पास एक ईमेल आई चेतना की मुंबई से और उन्होंने लिखा कि उनकी वालदा 1947 में सिंध के शहर शिकारपुर से हिजरत करके इंडिया चली गई थी, लिहाजा वो चाहती हैं कि मैं शिकारपुर की वीडियोस बनाऊं ताकि वो अपनी वालदा के आबाओ इजाद की सरजमीन को देख सकें। ये तो सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हिजरत करके दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं लेकिन जिस जगह वो पैदा हुए, जिस जगह उनके आबाओ इजाद पैदा हुए, उस जगह को वो याद तो करते हैं, चाहे उन्होंने वो हिजरत अभी की हो चंद साल पहले या आज़ादी के बाद। इसी तरह मेरे आबा अजाद लखनऊ से संदीला से हिजरत करके कराची आए, पाकिस्तान आए और मेरे जो नाना मरहूम थे ना, वो लखनऊ के टुंडे कबाबी के बहुत ही बड़े फ़ैन थे, बहुत ज़ायका पसंद था, हमें वहाँ के किस्से सुनाया करते थे, लिहाजा हमें भी शौक़ हुआ कि भाई जाके देखें कि लखनऊ के टुंडे कबाबी कैसे होते हैं, उनका ज़ायका कैसा है। मौजूदा हालात में तो हम वहाँ जा नहीं सकते लेकिन अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको और ख़ुद को वहाँ लेके ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद है हमारे दोस्त मोहम्मद याया, जो हमें दिखाएंगे कि लखनऊ के टुंडे कबाबी पे क्या हो रहा है। तो फिर लखनऊ चले। जी जिया भाई, लखनऊ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद, मैं हूँ मोहम्मद याया और ना सिर्फ हम टुंडे कबाबी आज खाएंगे, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अजहर भाई का मशहूर पान खिलाने। तो टुंडे कबाबी के कबाब खाने में और अजहर भाई का पान खाने में आप साथ रहिएगा। चले लखनऊ के मशहूर अमीनाबाद पुराने शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे सामने है यहां की ख़ास दुकान टुंडे कबाबी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड इन 1905। सुना यह जाता है कि टुंडे जो थे वो इनके दादा थे और उनका एक हाथ नहीं था, एक ही हाथ से वो काम किया करते थे और किसी फ़कीर की ये दुआ है कि जाइए आपके खाने में ज़ायका रहेगा। अरे वाह याया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है लखनऊ और टुंडे कबाबी का माहौल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बहुत ही पुराने पुरौनक इलाके गार्डन में और दोनों तरफ काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ ही पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है इंडियन चस्का के नाम से, जिनके पास जो स्पेशल इंडियन आइटम होते हैं ना, पनीर टिक्का, पालक पनीर, वड़ा पाव वगैरह वगैरह, वो सारे उनके पास अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा कि अगर आज लखनऊ स्पेशल है तो कुछ इंडियन आइटम्स ट्राई किए जाएँ। तो अभी हम ज़रा मार्केट में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और फिर इंडियन चस्का पे भी जाएंगे। भाई ज़बरदस्त आइटम बन रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है? आलू के बटाटा। आलू बटाटा जी, आलू का बटाटा है ये भाई, आलू बटाटा। और ये कुछ नया आइटम लग रहा है मुझे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के समोसे में बेसिकली जो मसाला होता है वैसा ही मसाला लग रहा है मुझको, और बेसन की कोटिंग के अंदर इसको इन्होंने फ्राई कर दिया है तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, दूध रबड़ी का शरबत। यहाँ क्या मिल रहा है भाई, क्या ले? पापड़ बेच रहे हो तुम? कितने का पैकेट है पापड़ का? 20 रुपए। 20 रुपए का मसाले वाले? हाँ। भाई कराची में तो ये माहौल बना हुआ है लेकिन ज़रा लखनऊ में हाजी मुराद अली उर्फ टुंडे कबाबी साहब के पोते हैं उस्मान भाई के पास लखनऊ चलते हैं। जिया साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बहुत खुशी हुई जनाब आपसे अभी
रूबरू मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, बहुत ही खुशी हुई मुझे और इंशाल्लाह ज़रूर रूबरू भी मुलाकात होगी बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो। ज़रा कुछ बताइए ना टुंडे कबाबी के बारे में। ये हमारे ग्रैंड फादर ने शुरू किया था 1905 में। अच्छा। और शुरुआत जब हुई है तो एक नए पैसे के 12 कबाब से स्टार्टिंग हुई है। नाम उनका असली नाम तो हाजी मुराद अली था, लेकिन उनका एक हाथ जो है वो पतंग के बहुत शौकीन थे तो उसमें जो है छत से गिर गए थे तो हाथ काट दिया गया था, तो एक हाथ से वो कबाब बनाते थे। देखिए इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। क्या बात है। और आप खाएंगे तो बदहजमी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, साइड डिफेक्ट नहीं होगा। सर्दिया भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके मुल्क में ये गलावटी कबाब कहीं पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं या खिलाए जाते हैं? अच्छा भाई, मैंने बड़ी कोशिश की कि कराची में ढूंढूं कि ये गलावटी कबाब कहीं मिलते हो, लेकिन कराची में मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कहीं ये गलावटी कबाब मिलते हैं। हाँ, मेरी मम्मा जो है, मेरी मदर, वो घर में ये गलावटी कबाब ज़रूर बनाती हैं। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मुलायम, बहुत ही बिल्कुल ऐसे होते हैं कि मुँह में जाएँ और घुल जाएँ, गलावट उनके अंदर लगती है पपीता डाल के। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। कराची में कहीं मिलते हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं इंडियन चस्का रेस्टोरेंट के ऊपर, और जैसा कि नाम से जाहिर है, इन्होंने लिखा हुआ भी है द टेस्ट ऑफ नेबर्स, तो पड़ोसियों का जो टेस्ट है ना स्पेशल, ख़ासतौर पर वेजिटेरियन, तो इनको ज़रा चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका ज़ायका कैसा है। ये कब खोला आप लोगों ने रेस्टोरेंट? इसको तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने? तो ये क्या इंडियन चस्का नाम रखने की क्या वजह है? इंडियन फूड है तो उसकी मुनासबत से मुझे थोड़ा बेहतर लगा नाम। तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि भाई तुम ये इंडियन चस्का टेस्ट ऑफ नेबर नाम रख रहे हो? नहीं, एतराज़ तो अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा अरसलान भाई, ये बताएं कि ये जो खास रेसिपीज़ हैं इंडिया की, ये कहाँ से सीखी है आपने? मेरा ननियाल इंडिया में है पूरा। कौन से शहर में? भावनगर में। भावनगर? भावनगर, भावनगर गुजरात में है। गुजरात में? अच्छा। जी, 2014 में हम वहाँ गए थे, तो ये सारी रेसिपीज़ वहाँ से सीख के आए हैं। तो रेस्टोरेंट लेकिन 2021 में खोला? असल हमारा ऑप्टिकल्स का बिज़नेस है, तो ये लॉकडाउन के टाइम पे जो है बस घर में फारिग बैठे थे, तो एकदम आइडिया आया कुछ करें, फारिग बैठे तो बस ये, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इस वजह से ये शुरू हो गया इंडियन चस्का। वाह वाह वाह, ये खिचड़ी भी मक्खन के अंदर तड़का लग रहा है। हम गुजरात से हैं लेकिन हम हैं मेमन, गुजराती मेमन, भावनगर वाले हालारी मेमन, भावनगर वाले हालारी मेमन, हालारी मेमन। हम हालारी कोई टेक्निकल टर्म बता दिए आपको। सर, कबाब के अलावा भी यहाँ कुछ सर्व होता है? कबाब के अलावा देखिए उधर लगा हुआ है, मलाई टिक्का है, टंगली कबाब है, मटन बिरयानी है और रोस्टेड चिकन है, वेजिटेरियन में वेज कबाब हैं। अच्छा, वेज कबाब के बारे में कुछ बताएं। वेज कबाब आप किस चीज़ का बनाते हैं? वेज कबाब बनता है सूरन का, जिमीकंद। आगे है इनकी स्पेशल आइटम सारी, ये मटन के गलावटी कबाब और ये बड़े के गलावटी कबाब, साथ में शाही पराठा। देखिए इनकी एक रिवायत ये मैं देख रहा हूँ, कबाब हो या टिक्के हो, मुंह में जाने के बाद ज़्यादा इनको चबाना नहीं पड़ता। जो मसाले हैं, कि ये मसाले ऐसे ही कुछ भी जायके के लिए डाल नहीं दिए हैं, ये वो मसाले हैं जो आपके निज़ाम को ख़राब नहीं करेंगे, यानी आपके डाइजेशन सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल हैं। भाई हमारे 2-3 आइटम्स आ गए हैं, जिसके अंदर ये आए हैं मोमोज, इंडिया में इनको कहते हैं मोमोज, और अगर आप इनको गिलगित बल्तिस्तान में खाएंगे, पेशावर में खाएंगे तो वहाँ इसको कहते हैं मंतो, और सिंगापुर वगैरह में उधर उसको डम्पलिंग्स कहा जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होती है इसमें, चिकन के अंदर भी है और वेज के अंदर भी है। बहुत ही नरमो मुलायम सॉफ्ट से होते हैं ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार, स्पेशली जो इनकी जो चटनी है ना वो काफ़ी खट्टी है, जिसकी वजह से टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो गया है। ये है भाई कड़ी खिचड़ी, और इसके साथ पापड़ भी इन्होंने दिए हैं।
मक्खन के अंदर इसका तड़का लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी चावल तो मैंने खाए हैं पहले, काफ़ी मज़ेदार होते हैं। कढ़ी खिचड़ी मैंने ये फर्स्ट टाइम खाई है और मक्खन के अंदर तड़का लगाया है जिससे काफ़ी रिच सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट बन गया है। पापड़ भी है। ये आ गया भाई हमारा वड़ा पाव। ये कितने का है वड़ा पाव? 50 रुपीज़। वड़ा पाव 50 रुपीज़ का है और कढ़ी खिचड़ी 150 और चिकन मोमोज 250, वेज मोमोज 200। ये प्राइसेस है भाई यहाँ पे। और आलू का बेसिकली वड़ा है इसके अंदर, चटनी में डिप करके भाई इसको खाएंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट है, लेकिन मेरा अब तक ओपिनियन है कि अगर ये थोड़ा सा स्पाइसी और होता, हल्का सा चटपटा चाट मसाला वगैरह, तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता। ऑथेंटिक जो वड़ा पाव है वो तो मैंने खाया नहीं है, ऑब्वियसली मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये अच्छा डिफरेंट मज़ेदार सा टेस्ट है। वड़ा पाव आप खा रहे हैं ये मुंबई का ऑथेंटिक टेस्ट है, और इसकी जो फिलिंग का कलर है वो भी सेम वही है, और ये मराठी डिश बनती है, उसके अंदर ठेचा डलता है, उसी रेसिपी के हिसाब से इसको बनाया गया है। ये चटनी भी वही उसी तरह की है, वही। अगर कोई मुंबई से देख रहा है तो कराची आए तो यहाँ पे आके ट्राई करें, फिर हमें बताएं कि वाकई ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। और ये आ गई है भाई पाव भाजी, और पाव भाजी जो है ना वो कराची के इलाके खारा दर है वहाँ पे भी एक मिलती है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ये है भाई वड़ा, नहीं ये है पाव और ये है भाजी। इसके अंदर भी इन्होंने जो है ना ये मक्खन के साथ इसको सेका हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी सा जो है ना ये बन है। पाव भाजी टेस्ट करते हैं। वड़ा पाव से ज़्यादा अच्छी मुझे पाव भाजी लगी, क्योंकि भाजी के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे स्पाइसेस डले हैं। पाव भाजी मज़ेदार है। पनीर टिक्का भाई, ये आ गया है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का तो मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगा, वैसे मैंने इससे पहले कभी पनीर टिक्का इस तरह से खाया नहीं है। बड़ा ही टेम्प्टिंग लग रहा है देखने में, कड़ा है, काफ़ी मज़ेदार सा सॉस भी इन्होंने इसके ऊपर डाला है। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार भाई। ये हमें आदत है चिकन टिक्का खाने की, मटन टिक्का, बिहारी बोटी वगैरह खाने की, तो ये पनीर टिक्का का टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन खैर अच्छा है, मज़ेदार है और नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। फ़िलहाल हम ज़रा वापस लखनऊ चलते हैं। और याया भाई ज़रा ये बताइएगा कि ये जो अमीनाबाद वाली दुकान है, क्या यही वो पुरानी दुकान है जहाँ से टुंडे कबाबी ने शुरुआत की, या वो कोई और दुकान है? लखनऊ वापस चलते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चौक अकबरी गेट पर। जो पुरानी दुकान है टुंडे कबाबी की वो यही है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो दुकान अमीनाबाद वाली है, वो इन्होंने बाद में शुरू की है। ये जो दुकान है यही वो पुरानी दुकान है जहाँ टुंडे थे, उन्होंने इसी दुकान से शुरुआत की थी। उस्मान भाई के दादा की दरअसल ये दुकान है, इसी दुकान से कबाब बनाने शुरू करे, उसके बाद उनको एक्सपोजर मिलता चला गया और आज वो एक बड़े आउटलेट के तौर पर अमीनाबाद में मौजूद है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है हाजी मुराद अली। तो यहाँ मेरे साथ हैं भाई अबू बकर साहब, ये हाजी टुंडे साहब के नवासे हैं और पुरानी वाली दुकान यही संभाल रहे हैं, यही रन करते हैं, करीब 100 साल से ऊपर हो गया। असल जो दुकान है वो यही है, पुरानी जी, दुकान जी, जी। तो एक बार आपको ये भी दिखाना ज़रूरी था कि दरअसल पुरानी दुकान इनकी यहाँ पर है, यहाँ पर इनके नवासे अबू बकर बैठते हैं और वही इस बिज़नेस को आज रन कर रहे हैं। भाई बहुत ही ज़बरदस्त, पुरानी दुकान तो बहुत ही आला है टुंडे कबाबी की, और यकीनन यहीं से हमारे नाना मरहूम खाते होंगे। और अब हम जो है ना वो इंडियन चस्का के बिल्कुल सामने नागौरी मिल्क सेंटर है, जहाँ पे लस्सी भी है, दूध की बोतल भी है, इनके शेक्स भी हैं बहुत ही मज़ेदार। तो भाई हम देखा ज़रा लस्सी भी टेस्ट कर लें। बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी मीठी मीठी मज़ेदार सी लस्सी है भाई, ये आप भलाई चेक करें, मलाई से जो है ना इसी से अंदाज़ा होता है कि लस्सी जो है वो कैसी होगी, और माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है, ज़बरदस्त जी। तो टुंडे कबाबी के बाद अगर आप थोड़ा सफ़र करके अज़र भाई का पान खाने ना आए तो ये दावत अधूरी महसूस होती है। तो हमारे साथ ज़िया भाई मौजूद हैं। ज़िया भाई, अब हम आ गए हैं अज़र भाई के पान की दुकान पर, और ये एक मशहूर पान की दुकान है, जितनी छोटी सी ये दुकान दिख रही है उतनी ही बड़ी इसकी तस्वीर है, बहुत मशहूर दुकान है लखनऊ में। किसी से आप कहेंगे कि अज़र भाई का पान खाना है वो आपको यहाँ लाकर छोड़ देगा।
तो अजहर भाई हमारे साथ खड़े हैं। अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर पान है क्या? पान जो है एक पत्ता है, बेल है, बेल का पत्ता, लेकिन इसका मान कितना किया जाए, इसका जो है पान का मान बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। इसका तो कोई कर ही नहीं सकते कितना मान है। पुराने ज़माने नवाबी दौर में, शाही दौर में सुना था कि पान से सारे इलाज होते थे, तो खाली देखा नहीं, पुराना दौर समझा है हमने कि पुराने दौर में ऐसे पान होते होंगे जैसे बेगम पसंद पान है, कमर के दर्द का पान है, हाजमे का पान है, नवाब वाजी अली शाह की गिलोरी भी है, अच्छा बिरयानी की खुशबू का भी पान है, क्या बात है, और मुँह के छालों का भी पान है, शाही मीठा भी है, खट्टा मीठा भी है। जिया भाई का चैनल है स्ट्रीट फूड पीके, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरहद पार से, यानी पाकिस्तान से। नवाब वाजी अली शाह की गिलोरी है जनाब। जिया साहब क्या बात, थोड़ा दूर करके, ये तो बहुत बड़ा है, मुँह में जाके गायब हो जाएगी सर ऐसा। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर बेगम आपका नाराज़ हो रही हो, उनको एक पान खिला दिए, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और जिया भाई से हम ये कहना चाहेंगे, आप भी लखनऊ आइए और हमारे साथ हमारे पान का मज़ा लीजिए। भाई बहुत ही ज़बरदस्त, अजहर भाई, आया भाई, बहुत ही आला लग रहे हैं भाई। पान और इतनी सारी पान की वैरायटी तो क्या बात है। कराची में भी पान आपको जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है अजहर भाई के मुकाबले वाला पान शायद 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 ही मिल सके, क्योंकि लखनऊ तो पान की समझे पान की शुरुआत ही लखनऊ से हुई है। खैर बहरहाल हमारी भी ख्वाहिश है भाई कि हम भी लखनऊ आएँ और आप सबको भी कराची में खुश आमदीद। और एक और छोटी सी ख्वाहिश है कि वो कि जिस तरह से ये इंडियन चस्का रेस्टोरेंट कराची में है और इस पर लिखा हुआ है द टेस्ट ऑफ नेबर्स, इसी तरह हमारे इंडियन ब्लॉगर्स एक वीडियो बनाएँ किसी रेस्टोरेंट की जिस पर लिखा हो पाकिस्तानी चस्का द टेस्ट ऑफ नेबर्स, और वहाँ पे हमारी पिशावरी की कढ़ाई और चपली कबाब और पाकिस्तान की जो खास खाने हैं वो वहाँ मिल रहे हो। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं मासूम मासूम ख्वाहिशात के साथ आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।